थक गए गाइस। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो अभी कर रहे हैं थोड़ा सा दिवाली की सफाई और थोड़ा सा थक गए हैं। तो पिछली बार जब हम गए थे मान्यवर, तो वहाँ से हमें मिला था कुछ कूपन। जब हमने वहाँ पर शॉपिंग की थी तो मॉल में चल रहा था कोई ऑफर, और हमें मिला ये कूपन। सोशल का कूपन है, 1000 रुपीज़ का। तो इसको ले जा करके हम सोशल में जा करके 1000 रुपीज़ का कुछ खा सकते हैं। तो अब फटाफट से होते हैं रेडी और देखते हैं कि चलते हैं कि कूपन स्पेशल डेज में नहीं चलेगा लिखा हुआ है, तो दिवाली में और पब्लिक हॉलीडेज में। तो आज है संडे, दिवाली तो नहीं है, संडे है, तो देखते हैं कि चलता है कि नहीं। चलते हैं, और अगर चलता है तो मज़े से खाते हैं, खूब मज़े करते हैं। हो गया रेडी, अब पहनते हैं मास्क और निकलते हैं। तो जा करके पहले ट्राई करेंगे खाने का, इसका कूपन को रिमबर्स करने का। उसके बाद फिर मान्यवर में भी मैंने जो लिया था वो फिटिंग का नहीं था, तो दोबारा उन्होंने मंगाया, तो वहाँ पर भी एक बार ट्राई करेंगे जाने का। तो अभी तो निकलते हैं यहाँ से, घर से सीधा मॉल के लिए। तो अभी हम पहुँच गए मॉल की एंट्री में, अब हम जा रहे हैं सीधा ऊपर सोशल की तरफ। अभी बज रहे हैं 2 और लंच का टाइम हो ही रखा है, तो सीधा लंच करने चलते हैं। अभी हम मॉल की तरफ जा ही रहे थे, नीचे से एस्केलेटर से आए थे, पोस्टर दिखा है। तो ये फेमस शो आता है खाना खाता का, उसका पोस्टर है यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ मॉल के अंदर फन एक्टिविटी हो रही है, ठीक देखते हैं अगर कुछ हमें दिखता है तो करेंगे। नहीं तो तारक मेहता तो है यार, डेटा लाल इज द बेस्ट। चलो गाइस, यहाँ पे दिवाली के लिए सजा रखा है मॉल को, काफ़ी अच्छा बना रखा है, बढ़िया से डेकोरेट किया हुआ है। तो अभी हमारा प्लान हो गया अमेरिकन ईगल जाने का, इसमें देख लेते हैं कुछ कपड़े, क्योंकि ये पड़ गया बिल्कुल रस्ते में, और उसमें कपड़े देख के फिर चलते हैं खाने के लिए। तो अमेरिकन ईगल से आ गए, वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, अब भूख ही ज़्यादा लग रही है, तो पहले कुछ खा ही लेते हैं। तो अब सीधा चल रहे हैं सोशल में, अब यूज करेंगे अपना कूपन और वहाँ ज्वाइन करते हैं। तो अभी हम पहुँच गए द्वारका सोशल में, अब पता करते हैं यहाँ पे कूपन चलता है कि नहीं, और अंदर जाके फिर ज्वाइन करते हैं। तो अभी पता किया था, तो 25-30 मिनट की वेटिंग है, कह तो रहे कूपन चल जाएगा, एक बार कंफर्म कर लेना जो भी यहाँ पे हेड है उससे, लेकिन 25 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो अभी वेट कर रहे हैं, और गाइस यहाँ पे देखो पीछे कॉमेडी शो चल रहे हैं जो यूट्यूब में आते रहते हैं, तो यहाँ पे लाइव आते रहते हैं, और कोई ना कोई कॉमेडियन होता ही है रोज। अभी वो नीचे चल रहा था टेस्ट, मैं दिखा देता हूँ फिर से, जो कि हम बात कर रहे थे कि वो डेटा लाल वाला, तो वो नीचे चल रहा था, लेकिन 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 अभी हम कर रहे हैं वेटिंग, तो क्योंकि कभी भी आ सकता है अपना नंबर। 25-30 मिनट की वेटिंग है बोल रहे थे, तो थोड़ी देर वेट करेंगे, अभी नीचे नहीं जाएंगे, नीचे जाके फिर दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है वहाँ। पर वो केवल बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है, छोटे छोटे बच्चों का गेम चल रहा है। तो अभी करते हैं थोड़ा बहुत इधर इधर उधर घूमते हैं, और जैसे अपना नंबर आता है चलते हैं सोशल। हमने यहाँ से एक शॉपिंग कर ली है छोटी सी दिवाली के लिए, और हमने जो लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने ये वाला कलर लिया है सिर्फ दिवाली का, बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ दिवाली से स्टार्ट किया है। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली, और लाइक और सब्सक्राइब करो, और हमारे उस ट्रिप को फॉलो करो जो हम करेंगे उत्तराखंड में अपने गांव पिथौरागढ़ में। लाइक एंड सब्सक्राइब, हैप्पी दिवाली, हैप्पी फेस्टिवल। तो अभी अपनी क्यू 3 बची हुई है, और अब जल्दी आ जाएगा नंबर और कॉल भी आएगा उनका। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो 2 फ्लोर ऊपर है, अब सीधा ऊपर ही चलते हैं और वहीं पे उसके सामने ही वेट करेंगे। वापस आ गए सोशल द्वारका में, और यहाँ बनी हुई कुछ चेयर बैठने के लिए, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं और जल्दी आ जाएगा नंबर। और यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है डिजाइन का, बहुत ही अच्छा बना रखा है सेटिंग के लिए, और छोटे छोटे केबिन बना रखे फॉर्च्यून टेलर और उस टाइप से अंदर बैठने का है। और ये हमारा सीढ़ी के ऊपर वाला स्पेस खाली मिलेगा शायद, और ये है ऊपर छोटे छोटे क्यूबिकल बना रखे बैठने के लिए। तो यूनिक सा डिजाइन उन्होंने बनाया है बैठने करने के लिए। ऊपर और नीचे हमें भी मिल गई एक सीट ऊपर वाली मिली है, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना होगा हमें, और
ऊपर बैठेंगे तो वो हो रही है क्लीन, और अब बैठ सकते हैं और खाएंगे खाना, तो यूज करेंगे अपना कूपन। बैठ गया और स्टेडियम ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, तो हम भी चढ़ेंगे स्टेडियम में और ऊपर जाके बैठेंगे। तो गाइस कुछ ऐसा सा है, ऊपर स्टेडियम में जाते हैं और ऊपर जाके बैठते हैं, तो हमें वहाँ पे जाना है, तो चले चलते हैं। वहाँ पे कोविड के चक्कर में ये हो गया थोड़ा सा ऑनलाइन टाइप का, तो हमें स्कैन करना है कोड और फिर मेन्यू आ जाएगा हमारे फोन में, एक वेबसाइट खुल जाएगी, उसको जाके ऑर्डर करना है। तो वहीं से ऑर्डर होगा, कोई मेन्यू वगैरह दिया नहीं है, तो वहीं से करते हैं ऑर्डर और अपना खाना मंगवाते हैं फटाफट। अभी हम वेट ही कर रहे थे तो यहाँ पे देखो कितने पुराने जमाने के स्विच लगा रखे हैं, कट कट करके ऑन ऑफ करने वाले, तो लंबा इंतजार है और अच्छा एक डेकोरेशन कर रखा है। और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वेट ही कर रहे हैं खाने का, और सामने यहाँ पे मैच भी चल रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे इधर स्क्रीन लगा रखी है, पूरा मैच डिस्प्ले हो रहा है, बहुत सही रेंज में बना के बैठने के लिए, कुछ यूनिक सा है, अलग कल्चर है, अलग टाइप का एम्बियंस है, तो मज़ा आ रहा है गाइस। पर वेट नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, खाने का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, पहले बाहर वेट किया अब अंदर वेट कर रहे हैं, तो वेट ही वेट चल रहा है, तो वो पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। फाइनली कुछ आ गया है अपना, यहाँ पे टेनिस चिकन आ गया है ओनियन विंग्स के साथ, तो कुछ खा लेते हैं फटाफट से, बहुत देर से वेट कर रहे थे, खाने पर टूट पड़ते हैं। तो ये चिकन है काफ़ी टेस्टी, खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, उसे इंजॉय करते हैं। टेस्टी, बहुत टेस्टी। साथ में आ गए वेज वाले मोमोज भी, अब दो टाइप के मोमोज हो गए, वेज चिकन और वेज में अलग अलग है, तंदूरी है, नॉर्मल है, अलग अलग फ्लेवर है, तो करते हैं इनको भी ट्राई। तो अभी हम लोग खा रहे थे टेस्टी मोमोज, साथ में चाइनीज थाली थे, अभी इसमें भी पड़े मोमोज और स्प्रिंग रोल और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, साथ में हक्का नूडल्स हैं, इसके अलावा हमने मंगाया नान और ये ब्लैक पेपर चिकन, तो मज़ा आ रहा है गाइस, लेट्स एंजॉय। अभी पेट करके खा लिया पूरा टेबल, काफ़ी कुछ खा लिया, ज़्यादा ही खा लिया, और ऊपर अपने दे दिया लगाने के लिए बिल का, और जल्दी आएगा अर्जेंट, और अगर देना होगा कम बिल तो मिलेगा बड़ा ऑफ, तो भैया गए हुए अभी वो लेके आते हैं मशीन, तो करते हैं पे और निकलते हैं फिर बाहर। तो गाइस अभी लग गया अपना कूपन और हम लोगों ने मस्त जम के खाया और पूरे 1000 रुपये का ऑफ मिला है, तो अभी बिलिंग विलिंग कर ली है, अब मॉल में वापस चलते हैं कुछ शॉपिंग करने और मिलते हैं आपसे। तो मज़ा आ गया यार, कूपन लग गया और अल्टीमेट फ़ायदा हुआ शॉपिंग का, मॉल का ऑफर था उसमें बहुत फ़ायदा हुआ, चलो मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए थे PVR में चेकआउट करने के लिए कौन कौन सी मूवी चल रही है, तो बहुत टाइम हो गया गाइस, लगभग मतलब जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है कोई मूवी नहीं देखी है, घर पे देखी है लेकिन हॉल पे जाके कभी नहीं देखी। तो अभी यहाँ पे बैनर तो कुछ तो है नहीं, यहाँ पे अभी चल रही है जेम्स बॉन्ड और भी कुछ देख रहा हूँ मूवीज़ हैं, तो अभी कोई नई मूवीज़ तो आई नहीं, जेम्स बॉन्ड अच्छी है लेकिन इसकी टाइमिंग सही नहीं बैठ रही है, तो जल्दी कभी प्लान करेंगे देखने का और किस दिन देखेंगे। बैनर का पोस्टर लगा हुआ है पिक्चर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, शायद 4DX का शो मिल जाएगा इसका कल परसों का, लेकिन आज तो कोई शो है नहीं। अभी चलते हैं कुछ शॉपिंग करने और मूवी का प्लान करेंगे अब किसी और दिन, चलो बाय। तो अभी हम आए हुए हैं लाइफस्टाइल में और यहाँ पे कर रहे हैं ट्राई आउट कुछ कपड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस ठंड में अभी नवंबर के लास्ट में जाने वाले हैं पिथौरागढ़ अपने उत्तराखंड वाले घर, तो उसके लिए कुछ ठंडी के कपड़े खरीद रहे हैं, तो ये जैकेट है और भी कुछ गर्मा गर्म जैकेट ढूंढेंगे, तो स्टाइल वाली ज़्यादा है गर्मी वाली कम, तो करते हैं शॉपिंग और जाएंगे नवंबर में अपने गांव, और आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें हमारे साथ जुड़ जाइए, चलते हैं साथ में इस सफ़र को और दिखाएंगे आपको। और ये जो खाना खा के शॉपिंग करने में जो हालत ख़राब होती है ना, ओहो इतनी मेहनत लगती है बिल्कुल मन नहीं करता, थकान हो जाती है, बिल्कुल नींद आ रही होती है, शॉपिंग करने में हो रही है पूरी मेहनत, तो और ढूंढते हैं और भरते हैं बैग को फिर करते हैं फाइनल। तो अभी हम एक जैकेट इस एयर में सेलेक्ट करके आए हैं, अब दूसरी जैकेट सेलेक्ट करने जाएंगे, उससे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ हो रहा वाला हंगामा, ये बच्चा पार्टी की बहुत मस्ती हो रही है, जेठालाल और दया बहन आ गई। ओके सारे बच्चे फ्रंट पे, हेलो गाइस, हेलो यस एक्चुअली गुड, ओके
सब अपने पेरेंट्स की तरफ देखेंगे, सब अपने पेरेंट्स की तरफ देखेंगे, और दिवाली का फेस्टिवल कितनी खुशहाली खुशियाँ लेके आता है गाइस। अभी से माहौल बहुत अच्छा हो गया है और बहुत ही अच्छा होने वाला है, आगे भी अच्छी दिवाली बनने वाली है। आप सब भी अच्छे से दिवाली को एंजॉय कीजिएगा, पर्यावरण का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और खूब सारी खुशियाँ और मिठाइयाँ बांटिएगा और दिए जलाइएगा। तो मैं ले रहा हूँ इस वाले को, तो ये अच्छी खासी गर्म है और पिथौरागढ़ में तो अभी से इतनी ठंड होने लगी है, उत्तराखंड में तो काफ़ी ठंड होगी नवंबर में जब हम जाएंगे, तो मैं इसको ले रहा हूँ अच्छी सी फ्लफी फ्लफी सी, या फिर इसको दिल्ली में भी पहन सकता हूँ कभी घर पे, तो सही है मतलब फ्लफी है काफ़ी सॉफ्ट है इसका कपड़ा, तो एक ये ले लेता हूँ, इसको ट्राई करते हैं और आगे की शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ने ले ली एक जैकेट और मैंने ले लिया एक ये, और चलते हैं आगे। तो अभी मैंने ये ट्राई किया पूरा का पूरा एक जैसा एक फ्लीस वाला कपड़ा, फुल गर्म है बोल रहे हैं, रात को सोने वाने के लिए अच्छा है, तो उत्तराखंड की ठंड में तो आ गया काम, तो ये ले लिया। सर इस कलर में नहीं लूँगा मैं लूँगा व्हाइट वाले कलर में, थोड़ा सा क्रीम वाला कलर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कलर है लेने वाला। ये वाला कलर जो कि पहना है इस पुतले ने, तो बिल्कुल वाइट वाला, तो यहाँ से उठा लेते हैं एक, तो लार्ज है मीडियम है क्या कहीं मिल गया मीडियम, तो ये उठा लिया और ये रख लिया, ये हो गया अपना मस्त है एकदम, ऐसा लूँगा गोलू मोलू सा भालू सा। तो अभी अपनी शॉपिंग तो हो गई है पूरी और अब रात भी हो गई है, तो अब निकलते हैं घर की तरफ और जल्दी से मिलते हैं दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब करो और हम चलते हैं कुछ खाने पीने। बाय। ये देखो मैंने क्या लिया है, पेंट ब्रश और कलर, मैं खुद से करने वाला हूँ दीवार को कलर, पता नहीं है सबसे बड़ी बेखूबी होगी या फिर पता नहीं काम करेगा, लेकिन मैं इस बार दिवाली में ट्राई करने वाला हूँ खुद से कलर करने का, तो चलो देखते हैं कैसा होता है।